श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चार आदतें आपके घर परिवार को विनाश के रास्ते पर लाके खड़ा कर सकती है। वो कौन सी चार आदतें हैं? मैं शुभ नीति के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये मेरी कोई अपनी राय नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं शुभ नीति बिल्कुल सही कह रही है। कई लोगों को कुछ बातों की आदत होती है, वही आदत धीरे धीरे लत बन जाती है। मनुष्य को समान लगने वाली कुछ आदतें भी अपने परिवार का नाश कर सकती है। शुक्र नीति में चार ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनसे हर किसी को दूर रहना चाहिए। जो श्लोक है शुक्र नीति में वो मैं आपको बताता हूं, अनिर्दात पारदर्याच तथा बच्चस्य बच्छनाथ अगोत्रम धर्माचारणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। पहली जो आदत है वो है झूठ बोलना। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, वे अपनी आदत बड़ी ही सामान्य समझते हैं अपनी आदत को, लेकिन यही आदत उनकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। झूठ बोलने से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भी दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आदत से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। फिर परिवार के परंपराओं के विरुद्ध काम करना। कई लोग घर के बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, साथ ही उनकी बताई गई घर की परंपराओं आदि का भी पालन नहीं करते। ऐसे लोग अपने कुल के विनाश का कारण बनते हैं। जो मनुष्य घर के नियम और परंपराओं का सम्मान नहीं करते उन्हें कई तरह के दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अतः वे दुख ही परिवार का विनाश कर देते हैं। इसलिए हर किसी को अपने परिवार की परंपराओं का पूरा सम्मान देकर उनका पालन करना चाहिए। फिर पराई स्त्री से संबंध बनाना। पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना या उसे संबंध बनाना महापाप माना जाता है। जो भी मनुष्य किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है या इसके बारे में सोचता है उसकी राक्षस प्रवृत्ति का माना जाता है और ऐसे मनुष्य को नरक में कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यह पाप कर्म किसी भी परिवार का नाश कर सकता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। फिर मांसाहारी होना। जीवों की हत्या करना या उनके सेवन करने की मनाही की जाती है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान अप्रसन्न रहते हैं और उसी उसकी पूजा अर्चना का भी फल नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को हर समय किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्र नीति के अनुसार यह आदत किसी परिवार का नाश कर सकती है, इसलिए इसे दूर रहना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।